चंडीगढ़ के स्ट्रीट वेंडरों के लिए बहुत बड़ी घोषणा, अब उन्हें लोन लेने के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री डॉक्टर भागवत केशव राव कराट ने आज चंडीगढ़ में स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना की घोषणा की। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत गरीब लोगों को अब आसानी से और बिना किसी झंझट के लोन मिल सकेगा। अब सड़क किनारे काम करने वाला, भट्टी में काम करने वाला मजदूर या फिर रेड़ी फड़ी पर काम करने वाला मजदूर, कोई भी व्यक्ति बैंक से बहुत ही आसानी और बिना किसी झंझट के करीब 10 लाख रुपए का लोन अपने सिर्फ एक आधार कार्ड से स्वनिधि योजना के तहत ले सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए आपको बता रहे कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना को और आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने बैंकों और नागरिक निकायों से मिलकर काम करने के लिए कहा है। इस योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडरों को कोविड-19 महामारी में बुरी तरह प्रभावित हो चुके उनके कामकाज को फिर से शुरू करने के लिए बिना किसी गारंटी के कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना है। पीएम स्वनिधि योजना देश में 1 जून 2020 को शुरू की गई थी। हम टारगेट पूरा करके इन लोगों का जो पावर्टी लाइन से ऊपर आने की हमारी कोशिश है। टोटल में बताया कि 7,500 ये किया है। आप पूछ सकते हैं कि भाई अभी तक क्या हो रहा है, कौन से स्टेट में काम ज्यादा हो रहा है, ये भी पूछ सकते हैं। मैं केरला गया कल, हम बेंगलोर में थे, केरला में सिर्फ 20% काम है, तो हम स्पेशल केरला के लिए इधर जा रहे हैं। अभी टोटल अगर देखें तो यूपी में सबसे ज्यादा टॉप 6 स्टेट में बताना चाहता हूँ। यूपी नंबर 1 है, मध्य प्रदेश नंबर 2 पे है, गुजरात नंबर 3 पे है, चौथा आंध्र प्रदेश है और पांचवा तेलंगाना है। हम यही का आज अभी तक 2 स्टेट का रिव्यू लिया है, चंडीगढ़ का लिया है और पंजाब का लिया है। एक बार भी उसने आना, अगर उसने पोर्टल एप्लीकेशन दे दिया, पोर्टल पे करा, तो भी उसको लोन मिल सकता है, सिर्फ लोन रिसीव करके साइन करने को आना पड़ेगा। तो बार बार चक्कर मारने की जरूरत नहीं है। नंबर 2 महत्वपूर्ण चीज ऐसी है कि एक बार 10,000 लिए हैं, इफ ही इज फ्रेंडली विद द बैंक, पैसा भरते गए, 6 महीने में उसको कंप्लीट कर दिया, तो उसको 20,000 रुपये मिलते हैं। और ये 20,000 रुपये उसने अगर 6 महीने में भरते गया, पैसा भरते गया, पैसा लिया और पैसे भरते गया, ट्रांजेक्शन हो गए, तो उसको 50,000 मिलते हैं। और 50,000 अगर सक्सेसफुली उसने काम किया तो उसको हम मुद्रा लोन में ले सकते हैं, उसको 10 लाख तक कर्जा मिल सकता है जिसको कोलैटरल नहीं लगता। और एक मैं नई चीज, नई तो पुरानी है लेकिन आपके लिए, ये एमएसएमई सेक्टर जो है, उद्योग मंत्रालय जो है, उसने इन लोगों को अभी मैं बताना चाहता हूं कि इसके माध्यम से अभी तक सैंक्शन लोन जो है 61.19 यानी 61,19,000 लोगों को, इनका लोगों को नहीं करोड़, 61.19 लाख ये लोन्स मंजूर हो चुके हैं। लेकिन इसमें एक आप समझ लो, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि पहली बार लिया 10,000, बाद में 20,000 लिया, इसलिए ये फिगर 61 लाख। उसमें देहात से आता हूँ, मुझे पता है ये लोग अगर कोई साहूकार के पास गए तो साहूकार 10%, 20% दिन को लेता है। दिन भर ये बेचारे काम करते हैं, 300-400 रुपये कमाते हैं, उसमें 100-150 रुपये उनको देना पड़ता है। तो ये नहीं होना, इनको मेन स्ट्रीम में लाना। इसीलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये 2 मंत्रालय काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत को एक 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना है। तो दिस इज 1 ऑफ द स्टेट, ये मैं बताना चाहता हूँ। और जिस तरह से हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है चाहिए, इसलिए
दोनों डिपार्टमेंट मिलके फाइनेंस और अर्बन डिपार्टमेंट मिलके हम पैन इंडिया कर रहे हैं और हमें इसमें सक्सेस भी दिख रहा है। अगर पहले हम देखें इस मीटिंग के पहले तो डेली इसमें पूरे भारत देश में 2000 के आसपास लोन सैंक्शन होते थे दिन को, लेकिन अभी हम ये दो महीने में हम देख रहे हैं तो 25,000 से भी ज़्यादा लोन सैंक्शन हो रहे हैं। तो ऐसा बेनिफिट 25,000 से ज़्यादा को लोन मिल रहे हैं। अभी आप सभी ने, आप सभी को, यू आर द मीडिया पीपल और आपको ही पता है कि भारत देश की इकोनॉमी 5वें नंबर पे आई है। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का ही IMF 2014 में हम 10वें नंबर पे थे, अभी 5वें नंबर पे है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को डिक्लेयर किया है कि हमें भारत की इकोनॉमी 3रे नंबर पे लानी है, तो 3रे नंबर पे लानी है तो ये वन ऑफ द बेसिक वर्क इज दिस, ये हम स्टार्ट किए। और बाकी तो इंडस्ट्रीज है, सब चीज है, बिजनेसमैन है, एक्सपोर्ट है, वो तो है, लेकिन गरीब लोगों को भी हमें पावर्टी से लिस्ट लेना है और उसका एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ चाहिए। इसीलिए दोनों डिपार्टमेंट मिलके फाइनेंस और अर्बन डिपार्टमेंट मिलके हम पैन इंडिया कर रहे हैं और हमें इसमें सक्सेस भी दिख रहा है। अगर पहले हम देखें इस मीटिंग के पहले तो डेली इसमें पूरे भारत देश में 2000 के आसपास लोन सैंक्शन होते थे दिन को, लेकिन अभी हम ये दो महीने में हम देख रहे हैं तो 25,000 से भी ज़्यादा लोन सैंक्शन हो रहे हैं। तो ऐसा बेनिफिट 25,000 से ज़्यादा को लोन मिल रहे हैं। अभी आप सभी ने, आप सभी को, यू आर द मीडिया पीपल और आपको ही पता है कि भारत देश की इकोनॉमी 5वें नंबर पे आई है। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का ही IMF 2014 में हम 10वें नंबर पे थे, अभी 5वें नंबर पे है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को डिक्लेयर किया है कि हमें भारत की इकोनॉमी 3रे नंबर पे लानी है, तो 3रे नंबर पे लानी है तो ये वन ऑफ द बेसिक वर्क इज दिस, ये हम स्टार्ट किए। और बाकी तो इंडस्ट्रीज है, सब चीज़ है, बिजनेसमैन है, एक्सपोर्ट है, वो तो है, लेकिन गरीब लोगों को भी हमें पावर्टी से लिस्ट। और सेवन मैडम कमिश्नर एंड मिशन डायरेक्टर दोनों ही पद मैडम के पास सीज हियर, तो उन्होंने बताया कि हम एक महीने में पूरा करेंगे, एक महीने में पूरे बैंक जो 100% टारगेट सी इज गोइंग टू अचीव विद इन वन मंथ। पंजाब के बारे में हम रिव्यू लिया है, पंजाब के मिशन डायरेक्टर्स साथ में आए थे और पंजाब के म्यूनसिपल कमिश्नर्स ऑनलाइन जुटे थे, तो उनका भी हमने रिव्यू लिया है। उसमें आप अगर पंजाब में देखें तो 51% काम हो चुका है, 51%। और उन्होंने 6 सितंबर तक मोबिलाइज करेंगे और पूरा अगर करने को तो दो महीने में हम काम पूरा करेंगे। ऐसे पंजाब के मिशन डायरेक्टर और म्यूनसिपल कमिश्नर से हमारी बात हो चुकी है। हरियाणा का काम 35% हो चुका है, हिमाचल प्रदेश। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के